लर्नर्स आई फाइन आप देख रहे हैं मेरे YouTube यूट्यूबिंग आज हम डिस्कस करेंगे कि यूट्रफिकेशन क्या होती है इसकी कॉजे टाइप्स इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि यूट्रफिकेशन क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज इन देशन ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर बेसिकली यूट्रफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ uh, है फॉसफोरस और नाइट्रोजन का एक्वेटिक सिस्टम में ये हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है वाटर में वहाँ पे एक लेयर वगैरह बन जाती है ऊपर ग्रीन वाटर के ऊपर जो है वो ग्रीन लेयर आती है तो वो प्रोसेस जो है वो यूट्रोफिकेसन कहलाता है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन वाटर में जब फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है तो उसे इन यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसी कॉजेज़ की बात, sewage, water, all, बात करते हैं एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स कमर्शियल लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज सेवेज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्टिलाइजर्स मतलब एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स जो है वो किस तरह यूट्रिफिकेशन का बायस बन रहे हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं तो जब वो एज अ वेस्ट वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिवर्स वगैरह में डिस्पोज आउट किए जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फास्टफोरस होता है जिससे यूट्रोफिकेशन जो है वो बन आ, उसका प्रोसेस जो है वो अमल में आता है सेकेंडली है कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा फास्टफोरस और नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर रही हैं और एज आ जब उसको यूज़ कर लेती हैं तो एज आ वेस्ट जब रिवर्स वगैरह में डिस्पोज आउट करती हैं तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन का बायस बनते हैं हमारा सीवेज वाटर वगैरह जो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डोमेस्टिक इस तरह के हम देखते हैं कि हम अपने घर में बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है जब हमारा वेस्ट वाटर एक्वेटिक सिस्टम में इको में जब जाता है हमारे लेक रिवर वगैरह में तो वहाँ पर जो है वो यूट्रीफिकेशन का बायस बनता है देन हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उसको डिसपोजप्ट करती हैं जब वो हमारे रिवर्स वगैरह में जाता है तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का बायस बनता है फर्दर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पे इसकी मेनली दो टाइप्स हैं नेचुरल यूटिफिकेशन एंड नेचुरल नेचुरूटिफिकेशन वो होती है जो नेचुरली जो प्रोड्यूस होती है नेचुरली फिनिना के जरिए नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जो है वो यूटिफिकेशन हो रही होती है वो नेचुरल यूट्रिफिकेशन कराती है जबकि कल्चरल यूटिफिकेशन जो है वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज से जो यूटिफिकेशन होती है वो कल्चर यूटिफिकेशन कहलाती है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिस तरह ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए तो जब ये पानी में यूटिफिकेशन कॉज करते हैं तो वो कल्चर यूटिफिकेशन कहलाती है फर्दर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स पे ये किस तरह असरअंदाज होती है एक्वेटिक सिस्टम में या हमारी इन्वामेंट में डिक्रीज द बायोडावर्सिटी ये बायोडावर्सिटी जो है उसको डिक्रीज़ करती है इंक्रीज़ इन टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर बॉडी वाटर बॉडीज जो है उसको ज़्यादा टॉक्सिक बना रही है चेंज इन स्पीशीज डोमिनेंस स्पीशीज की डोमिनेंस जो है वो उनको चेंज कर रही है डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लेशन जब फास्फोरस फासफोरस नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन वाटर में बढ़ती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होती रहती है और उसकी क्वान्टिटी जो है वो कम होती है जिससे एकवेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है जब फिशेस वगैरह को ऑक्सीजन का मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है लो पी एच ऑफ सी वाटर हमारे पास जो सी वाटर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी पीएच जो है वो लो हो जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं फर्दर हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर कि इसको किस तरह कम किया जा सकता है इसका सोल्यूशन क्या है अडोप्ट ऑफ मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस फार्मिंग के जो प्रोसेस हैं उसमें ज़्यादा जो है वो उसको ज़्यादा सस्टेनेबल होना चाहिए हमें जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो हैं वो उनको एडॉप्ट करना चाहिए डिस्पोज ऑफ सिवेज प्रॉपरली हमारा जो सिविच वाटर वगैरह है उनको डिस्पोज करें प्रॉपरली उनको जो हमारे रिवर्स वगैरह जो है हमारे जो एक्टिक इकोसिस्टम्स में हैं उनमें ना जाना दिया जाए ताकि वहाँ पर जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की जब कंसट्रेशन बढ़ेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली यूट्रीफिकेशन का जो है प्रोसेस वो कम होगा फर्दर हमारे पास है यूज फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स जो है वो अपने घर में यूज़ करने चाहिए या फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ऐसे डिटर्जेंट्स को जो है वो यूज़ में लाया जाए जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी जो है वो कम हो जिससे फास्फोरस जो है वो कम प्रोड्यूस हो डिस्पोज ऑफ पेट वेस्ट प्रॉपर्ली हमारे पास जो पेट का वेस्ट वगैरह है उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए तो ये थे इसके सोल्यूशनस के बेसिकली इसके सोल्यूशन में यही है कि अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट को कम यूज़ करें उनको आ, कम प्रोड्यूस करें अपने और उनको जो उन, उनको एज अ वेस्ट अपने रिवर्स वगैरह में ना रिस्पोर्थ आउट करें तो इससे यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कम किया जा सकता है उसको किसी हद हाँ तक जो है वो उसकी क्वांटिटी में जो है वो आ, उसको कम किया जा सकता है अगर उसको कम ना करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो एक सिस्टम है आ, हमारे जो एक्टिक लाइफ है हमारी फिशज वगैरह की और अदर वहाँ पे जो एक्वेटिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी तो इस तरह ये था आज का हमारा टॉपिक यूट्रोफिकेशन इंक्रीज इन फास्फोरस फासफोरोस नाइट्रोजन फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो इंक्रीज़ है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है ये था हमारे पास इसका हॉल टॉपिक इसके कॉजेज टाइप्स इफेक्ट्स एंड सोलूशन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर दी अपकमिंग एंड इंफॉमेटिव वीडियोज़ थैंक यू यूज